नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा। इंस्पायर टू हिंदी से आज हम बात करने वाले हैं OnePlus 8T के बारे में। 8T जो है भाई आ गया है बस, और लेना है कि नहीं लेना है ये तो आपका वीडियो के अंत तक अपने आप मन बन जाएगा। ये OnePlus का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है। अभी यार कुछ समय हुआ था 8 को आए हुए, और मैंने अपने भाई को भी OnePlus 8 दिलाया था, वो भी किसी कोने में घर में बैठ के कहीं पर रो रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। दोस्तों शुरुआत करते हैं OnePlus 8T के अनबॉक्सिंग के साथ। इसके बॉक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है इस बारी, नॉर्मल बेसिक सा। आपको खोलते ही सबसे पहले इसमें स्मार्टफोन मिलेगा। स्मार्टफोन के बाद आपको अंदर इसके लिए मिलेगा वॉप चार्ज 65 इस बार। तो इन्होंने इस पर बड़ा काम करा है कि 65 वॉट की वॉप चार्जिंग अंदर आपको मिल रही है, जो इसके साथ चार्जर मिल रहा है वो काफ़ी थिक और मोटा सा है, और उसकी मदद से आप अब अपने लैपटॉप्स वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं जो कि उस हद तक की USB-C चार्जिंग को सपोर्ट करते हों। और उसके अलावा अगर मैं अन्य चीज़ों की बात करूँ, बॉक्स के अंदर आपको मिलता है सिम ट्रे टूल, और आपको मिलता है इसके लिए स्टिकर्स OnePlus वाले, और अगर आप एक रिव्यूअर हैं तो आपको दो केस और अलग से मिलेंगे इसके साथ। अब जरा शुरुआत करते हैं बिल्ड और डिजाइन से। जो OnePlus 8T है 188 ग्राम्स वे करता है, तो चलो उतना भारी नहीं बना इस बार। गोरिल्ला ग्लास फ्रंट पे दे रखा है इन्होंने, और बैक पे भी गोरिल्ला ग्लास दे रखा है। एल्यूमिनियम फ्रेम है इस फोन में, डुअल सिम फोन है यार ये। और सामने की तरफ इसका मेन पॉइंट है जो कि इसकी फ्लूइड एमोलेड 120 हर्ट्ज़ की HDR10+ डिस्प्ले है। यार देखो, OnePlus 8 से OnePlus 8T पे सबसे बड़ा फर्क यही है कि डिस्प्ले में काफ़ी हद तक फर्क हो गया है। भाई को OnePlus 8 दिलाया, वो 90 हर्ट्ज़ चला रहा है, और यहाँ पे OnePlus 8T में जस्ट उतने ही पैसे में ऑलमोस्ट कैशबैक वगैरह के साथ शायद और सस्ता ही पड़ जाए आपको, और बेटर डिस्प्ले मिल रही है। और मतलब जो उसके साथ धोखा और विश्वासघात हुआ है ना, उसके दिल में दर्द हो रहा है, और शायद से OnePlus 8 के सारे यूजर्स को ऐसा ही फील हो रहा होगा। ये आता है फुल HD प्लस 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले के साथ, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके अंदर। इस पे राइट साइड पे मिलता है प्रायोरिटी अलर्ट स्लाइडर और वॉल्यूम रॉकर। अच्छी बात है इन्होंने अपना प्रायोरिटी अलर्ट स्लाइडर अब तक हटाया नहीं है, बहुत प्यारा लगता है मुझे। ऑलमोस्ट हर OnePlus फोन की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उसमें यार एक प्रायोरिटी अलर्ट स्लाइडर मिल रहा है। और दूसरी अच्छी बात इसमें यह भी है कि डिस्प्ले की क्वालिटी जो यहाँ पे इंप्रूव कर दी गई है, उसके अलावा डिज़ाइन थोड़ा सा और, मैं कहूँगा हैंडी तो नहीं बोल सकते किसी भी हाल में इसको, बट डिज़ाइन थोड़ा सा और स्मूथ सा कर दिया अलग सा ही। अब तो यार आईफोन के साथ थोड़ा फ्लैट डिज़ाइन वापस आ रहा है ट्रेंड में, जो मुझे बहुत पसंद है, बट यहाँ पे थोड़ा इन्होंने साइड से कर्व वाला डिज़ाइन थोड़ा यहाँ पे लाने की कोशिश करी है। मेरे को दिल से तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये सैमसंग वगैरह के फ़ोन जैसा लग रहा था देखने में, इस बार ही वो OnePlus वाली फील आई नहीं यार इस फ़ोन में। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि डिज़ाइन चेंज जो किया है, बैक पे क्वाड कैमरा ही सेटअप है, बट उसको अरेंज करने का तरीका इतना अजीब सा कर दिया इस बार ही, जो कि ऑलमोस्ट हर एक सैमसंग वगैरह के फ़ोन में देखने को मिलता है, कि देखने में फ़ोन बड़ा ही प्रीमियम सा लग रहा है, भले ही चीज़ वही है जो पहले मिल रही थी। अगर इंटरनल स्पेक्स की बात करें तो आता है Qualcomm Snapdragon 865 के साथ, Android 11 के साथ आ रहा है फ़ोन, पहले ही ऑक्सीजन OS 11 के साथ, और इसके अंदर आपको UFS 3.1 वाली फास्ट स्टोरेज मिल रही है, 8GB या फिर 12GB रैम आपको मिल रही है, और 128GB या फिर 256GB स्टोरेज मिल रही है इसके अंदर। तो भाई यार एक्सपीरियंस के बारे में तो मेरे को बताने की जरूरत है, बिकॉज ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस सबसे मतलब मेन सेलिंग पॉइंट हो जाता है OnePlus के किसी फ़ोन का। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने पहले OnePlus के फ़ोन्स चला रखे, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनके फ़ोन्स बहुत टाइम तक स्मूथ रहते हैं। आप 1-3 साल तक इसको चलाते रहिए, सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं आती, और वो जो सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं आती है उसी कारण कितने लोग आँख मूंद के ऐसे फ़ोन ले लेते हैं इनका। मैंने भी OnePlus Nord यही आँख मूंद के लिया था, वो तो मैं गरीब हूँ तो बाद में बेच के मैंने रेडमी ले लिया, तो बात अलग है वो, खैर। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर मैं OnePlus 8T के कैमरा की बात करूँ, तो अभी तक इस फोन की सबसे बड़ी दुखती रग वही है, बिकॉज इसमें वही 48MP का सेंसर यूज हो रहा है जो कि जमाने से OnePlus यूज करते आया, उसी को रगड़ के घिस के निचोड़ के वही देते जा रहे हैं। तो फॉर श्योर वो 48MP का सेंसर बहुत अच्छा है, बट यार समय बदल चुका है यार, कुछ अच्छा नया लाओ। बाकी लोग कितना बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, 64MP का कोई नया सेंसर यूज कर लो, 48 में ही कोई ऐसा सेंसर यूज कर लो जिसका पिक्सल साइज बढ़ाओ, लेकिन नहीं, ये वही सेंसर यूज करे जा रहे हैं, उसी को रगड़ेंगे अंत तक। तो ये वीडियो संभव हो पाई द फोन टॉक से मयंक शर्मा की वजह से, जिन्होंने हमें ये फुटेज प्रोवाइड करा। तो उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस कैमरा को काफी एक्सटेंसिवली टेस्ट करा था इसके, और उन्होंने सीधे सीधे बोला कि भाई प्राइस के हिसाब से कैमरा वर्थ इट
नहीं है, बिकॉज कैमरा की क्वालिटी उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही नहीं है यार। मतलब पिक्सल मिल रहा है आज की डेट में, पिक्सल 4a मिल रहा है यहाँ पे इंडिया में, तो चलो पिक्सल 4a ही मिल रहा है, बाहर वाले लोग पिक्सल 4a 5G और पिक्सल 5 भी चला रहे होंगे, तो अभी पिक्सल 4a में आपको इससे बेटर कैमरा मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी अन्य फोन मिल रहे हैं भाई 26,000 पे, तो आईफोन SE 2020 बिक रहा है भाई सेल पे, बेवकूफ बैठे गए लोग यहाँ पे कि जो ऐसे आउटडेटेड कैमरा मॉड्यूल वाला फोन लेंगे। तो ये चीज इनको फिक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मोस्ट प्रोबेबली OnePlus 9 या अगला जो मॉडल आएगा OnePlus का 8T Pro अगर आए कभी, तो भाई उस पर प्लीज कम से कम कैमरा मॉड्यूल थोड़ा अपडेट कर देना। इवन जो एल्गोरिथम है वो वैसा ही है जैसे कि OnePlus हमेशा से करता आया है, कि वो थोड़ा सा मतलब जैसे कॉन्ट्रास्ट हाई कर देता है, थोड़ा सा पिक्सल जैसी लुक को सिमुलेट करने की कोशिश करता है, वो चीज़ अभी भी यहाँ पे है। और इतना भी कोई बुरा या रद्दी कैमरा नहीं है, बट सबसे बड़ी बात यही है कि इतना वो लोगों को टाइम मिला है, कब से वो लोग फोन बना रहे हैं, मतलब OnePlus, OnePlus 2, OnePlus 3, OnePlus 5, 5T, 6, 60, 7, 70, फिर उसके बाद 8, अब 8T पे आ गए, तुम लोग बताओ इतना टाइम मिला है आपको इम्प्रूव करने के लिए, आप हर एक जनरेशन के साथ मार्जिनल अपग्रेड क्यों दे रहे हो, कुछ बड़ा अपग्रेड करो ना भाई। और इनकी जनरेशन भी इतनी जल्दी जल्दी आ रही है कि अभी कुछ महीने हुए हैं मेरे भाई को OnePlus 8 लिए हुए और उसका फोन ऑलरेडी आउटडेटेड हो गया। तो मुझे लगता है OnePlus के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो भी लोग इनके फोन्स ले रहे हैं उनको पता है कि उनका बड़े वाला कटने वाला है कुछ ही समय में, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। बाकी इस फोन में कोई बहुत ज्यादा कमियां नहीं है, इसमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप आपको मिल रहा है, और अगर नेटवर्क कैपेबिलिटीज की बात करूं वो बहुत बढ़िया होगा, एप्टिक्स HD ऑडियो को सपोर्ट करता है, 16 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा दे रखा है, गायरो EIS का सपोर्ट है इसमें फ्रंट और बैक में, बैक कैमरा से आप 4K 60 शूट कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा से 1080p फुटेज शूट कर सकते हैं, 4500 mAh की बैटरी के साथ आता है और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे कि आप 100% बैटरी तक पहुंच सकते हैं सिर्फ 39 मिनट्स के अंदर अंदर। तो सच ऑन पेपर भाई इस फोन में कोई कमी नहीं है, सब कुछ मस्त दे रखा है इन लोगों ने, बट कलेश यहाँ पे असली वाला यही है कि इन्होंने सब कुछ मस्त देने के बावजूद जो प्राइसिंग है इसकी 45,000 के आसपास, उस प्राइसिंग पे यार मतलब आप कुछ टाइम पहले OnePlus 8 बेच रहे थे, अब आप चांस से OnePlus 8T बेच रहे हो, कौन इस बात की गारंटी लेगा कि अभी मैं OnePlus 8T लूँ इस प्राइस पे जाके और जस्ट 2 या 3 महीने में तुम्हें एक नया OnePlus 9 में निकाल दो, इस बात की गारंटी कौन लेगा, मेरा तो विश्वास ही उठ चुका है OnePlus से सिर्फ इस वजह से कि ये लोग मतलब इंतजार ही नहीं कर रहे हैं भाई, भसड़ बचा दी इन्होंने मार्केट में, एक फ़ोन निकाला थोड़ा बैठ जाओ भाई आराम कर लो, नहीं भाई 2 महीने हुए अच्छा हाँ ये पुराना हो गया नया निकाल दो, भाई एक साइकिल होता है फॉलो करो, एप्पल के पीछे लोग इतने दीवाने क्यों होते, एक साल में कुछ नए मॉडल निकालेंगे ठीक है, अब ये नहीं कि हर 6 महीने पे एक नया फ़ोन आ रहा है तो एप्पल की वैल्यू थोड़ी रह जाएगी, आप बनना चाह रहे हो एप्पल लेकिन आप काम अलग वाले कर रहे हो तो यार मज़ा नहीं आता फिर। तो OnePlus की सब कुछ बढ़िया है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़िया है, हार्डवेयर उन्होंने बहुत अच्छा टॉप क्लास का हार्डवेयर यूज़ करा है, सब कुछ मस्त दिया है, कैमरा पे मैं कहूँगा थोड़ी सी कटौती कर दी, बट कलेश यही है कि क्या आप ये लेंगे या आप कुछ और लेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी आपको, ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा मिलेगा फॉर द प्राइस, सिर्फ मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद कैमरा क्वालिटी आपको उतनी अच्छी ना मिले फॉर द प्राइस, बट बाकी सब कुछ आपको बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। और अगर मैं सच बोलूँ तो यार सैमसंग के किसी फ़ोन के मुकाबले तो मैं आँख मूंद के OnePlus 8T ही रिकमेंड करूँगा किसी को भी जो कि 40-50 में फ़ोन लेने वाला होगा, सच्चाई तो यही है, बिकॉज सैमसंग का सॉफ्टवेयर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और शायद से GCam डाल के इसका कैमरा भी शायद बेटर हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है कि यार ऐसा सा कोई फ़ोन लेना है, या अभी जो सेल में आपको इतने सारे आईफोन 11 मिल रहा होगा इस प्राइस पॉइंट पे, या आपको कुछ और मिल रहा होगा जो कि आराम से आपका 3 से 4 साल चल जाएगा, आपको वैसा कोई फोन लेना है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी दे रखी है उसको श्रद्धालु होकर बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।